कैसा म्यूजिक था और कैसी इग्नोरेंस थी वो, ये दरिंदगी के अलावा कुछ नहीं था। आज मैं परिवार से मिला हूँ और बहुत दुखद है, वो लड़की वो बिटिया अकेला कमाने वाली थी परिवार में, छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, माँ है उसकी, बीमार है। कल सीएम साहब ने भी माता जी से बात की थी उनकी, और जो भी उनके इलाज में जरूरत पड़ेगी वो सरकार की ओर से पूरा करवाएंगे। उनका डायलिसिस होता है वो सरकार की ओर से लगातार होता रहेगा। सरकार की ओर से जो 10 लाख रुपए इस पॉलिसी के तहत दिया जा सकता है वो सीएम साहब ने मैक्सिमम की घोषणा की है। साथ साथ इनके परिवार की यहाँ मांग थी कि भाई हमारे परिवार में किसी व्यक्ति को तुरंत नौकरी पे भी रखा जाए, तो हमने उनके परिवार से कुछ लोगों के कागज लिए हैं और जल्द से जल्द उनको किसी तरह का रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे। उनको अभी परिवार बहुत गरीब है, तो अभी भी कुछ जरूरत है, तो मैंने अपने पार्षदों को और MLAs को कहा है कि यहाँ से लोकली सामाजिक रूप से भी तुरंत मदद करें और सरकार की ओर से भी पूरी मदद रहेगी, नौकरी के लिए भी मदद। तो मनीष सिसोदिया को भी आप सुन रहे थे और अंजलि के परिवार से मुलाकात की है मनीष सिसोदिया ने। और साथ ही आपको ये भी बता दें, सिसोदिया के साथ आम आदमी पार्टी के तमाम नेता वहां पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया और भरोसा दिया है कि न्याय मिलेगा। कांझावाला केस, अंजलि के परिवार से मिले मनीष सिसोदिया और उन्होंने अपनी बातों को रखा और ये भी कहा कि परिवार गरीब है और मैंने स्थानीय अपने नेताओं को आदेश दिया है, निर्देश दिया है कि वो हर संभव मदद करें। सिसोदिया के साथ कई आम आदमी पार्टी के नेता भी मौजूद, लेकिन परिजनों का आरोप कि ये हादसा नहीं है बल्कि हत्या है, सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया।